Hello everyone, this is Sarthak Sharma and this video is part 3 of our series on the general studies questions which were asked in UPPSC LT grade teacher recruitment examination which was conducted on 29th July 2018 and iske part 1 aur part 2 mein hum question number 1 se lekar ke question 20 tak discuss kar chuke hain. So agar aapne wo parts nahi dekhe hain part 1 and part 2 to wo aap playlist mein ja kar ke pehle dekh sakte hain. In this video we will discuss question number 21 to question number 30 and let's move on to question number 21. So the question number 21 is, if one of the roots of the quadratic equation 2x square plus px plus 4 equals to 0 is 2, then the other root is, or Hindi mein kahenge, yadi dwighati samikaran 2x square plus px plus 4 equals to 0 ka ek mool 2 hai, to iska dusra mool क्या होगा. तो चलिए इस क्वेश्चन को जो है फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं. हमें गिवन है कि 2x स्क्वायर प्लस px प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका एक रूट हमें गिवन है वो है 2. सो फ्रेंड्स, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कहती हैं कि अगर दो रूट्स हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जिन्हें हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं, तो अगर हम उन दोनों रूट्स को ऐड करेंगे तो वो आएगा माइनस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x जो इस केस में p है अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो इस केस में 2 है. और अगर हम दोनों रूट्स का प्रोडक्ट करेंगे व्हिच इज अल्फा इनटू बीटा, तो प्रोडक्ट करके आएगा कांस्टेंट टर्म जो इस केस में 4 है अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ द स्क्वायर टर्म x स्क्वायर. तो यहां पर जो है ये आ जाएगा 2. तो अल्फा इनटू बीटा जो है हमारे पास वो आ गया है यहां से 2 आ गया है. तो एक रूट जो है वो हमें गिवन था दैट इज 2. तो अगर हम अल्फा को 2 मानते हैं तो 2 into बीटा इक्वल्स टू 2 दैट इज बीटा इक्वल्स टू 1. तो जो दूसरा रूट है वो आएगा प्लस 1. सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी दैट इज प्लस 1. एंड लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22 नाउ. So question number 22 is, in which state was the military exercise Vijay Prahar held in May 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ. So friends, जो correct answer है यहाँ पर वो है C, that is राजस्थान. राजस्थान में May 2018 में military exercise हुई थी विजय प्रहार. और इसका background देख लेते हैं, तो जो South Western Command है Indian Army का, it conducted the विजय प्रहार exercise in महाजन area close to सूरतगढ़ इन राजस्थान. तो जो सूरतगढ़ है उसके पास ही जो महाजन एरिया है वहां पर विजय प्रहार जो एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज, वो कंडक्ट की गई इंडियन आर्मी द्वारा. एंड द एक्सरसाइज वाज एम्ड टू ऑर्केस्ट्रेट वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ थ्रेट्स इंक्लूडिंग न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक व्हिच आर प्लान्ड टू बी टैकल्ड थ्रू हाई टेंपो जॉइंट एयर एंड लैंड ऑपरेशंस. तो जो ये विजय प्रहार है इसमें जॉइंट एयर एंड लैंड ऑपरेशंस जो है वो किए गए. तो ये एक एयर फोर्स और जो आर्मी है उनके बीच में ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी टू कॉम्बैट न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल जो अटैक्स होते हैं, इनके जो थ्रेट होते हैं इनके अगेंस्ट जो है इसमें एक्सरसाइज की गई. एंड द एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड टू प्रैक्टिस ट्रूप्स इन penetrative maneuvers across obstacle ridden terrain under a nuclear umbrella. तो जो अगर कभी nuclear जो nuclear bomb होता है उसकी कोई situation हो जाती है, nuclear हमला हो जाता है, तो उस केस में कैसे tackle किया जाएगा situations को, ये सब इसकी exercise की गई, इसकी practice की गई विजय प्रहार exercise में of Indian Army. So ये इसका जो answer है वो होगा C, राजस्थान. And let's move on to question number 23. And before that friends, here are some courses which we have created for you, and these include GATE, CSE, IT and UGC NET and placement preparation and competitive programming. And there are some other courses like DSSSB and KVS, PGT, TGT teacher, as well as UPPSC LT grade teacher recruitment. So we are basically covering all the technical examinations which occur throughout the year. And if you want to take our courses, then you can call us on the given contact number, that is 9821873.
6104 and you can use 02 in place of 04, or you can contact us on the given email ID, that is admin@gatelectures.com. So friends, these are comprehensive courses having the full coverage of the syllabus, and they will definitely help you to prepare and score better in your examinations. And chaliye 23 question dekhte hain. So friends, question number 23 is, who has won the women singles title of badminton in Commonwealth Games 2018? Rashtramandal Khel 2018 mein badminton ka mahila ekal khitab kisne jeeta hai? So friends, the correct answer here is A, Saina Nehwal. Saina Nehwal aur PV Sindhu ke beech mein jo hai finals hua tha women singles ka Commonwealth Games mein, jisme Saina Nehwal ne PV सिंधु को सीधे सेट्स में हरा दिया था, और इसके बाद जो है उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया था कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 सिंगल बैडमिंटन में. तो इसका आंसर जो है वो होगा ए, दैट इज साइना नेहवाल, और इसमें कुछ अलग बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 24 इज, इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2018 इंडिया इज प्लेस्ड एट. विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान क्या है वो आपको बताना है. सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर हेयर इज सी, दैट इज 138. जो भारत की रैंक आई है वो आई है 138, और इसका बैकग्राउंड देखते हैं. सो इन रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स WPFI 2018 बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, तो ये एक इंटरनेशनल संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स. ये फ्रांस में बेस्ड है, और ये जो है पब्लिश करती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स. इन्होंने 2018 में ये किया है, एंड इंडिया वाज प्लेस्ड एट 138th रैंक आउट ऑफ 180 नेशंस सर्वेड वर्ल्ड वाइड इन टर्म्स ऑफ प्रेस फ्रीडम इन 2017. तो जो 2017 में कितनी प्रेस फ्रीडम मिली किस देश के रिपोर्टर्स को, उसके हिसाब से जो है 2018 में भारत की जो रैंक आई है वो आई है 138th आउट ऑफ 180 नेशंस. तो टोटल 180 ऐसे नेशंस हैं जिनकी जो रैंक है कैलकुलेट की गई है, और उसमें भारत की जो रैंक है वो काफ़ी लो रही है, 138th रही है. एंड इंडिया वॉज रैंक्ड एट 135th इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2017. तो पिछले साल जो है वो इंडिया की रैंक 135 थी, और इस बार वो और गिर गई है और 138 बन गई है. एंड द लिस्ट हैज़ बीन टॉप्ड बाय नॉर्वे. तो पहली रैंक जो इस लिस्ट में है वो है नॉर्वे की, एंड नॉर्थ कोरिया वॉज एट द बॉटम मोस्ट पोजिशन, दैट इज 180th इन द लिस्ट. तो नॉर्थ कोरिया की सबसे लास्ट पोजीशन रही है, इंडिया की जो रैंक रही है वो रही है 138. तो सी इसका सही जवाब होगा. और क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं अब. सो क्वेश्चन नंबर 25 इज फ्रॉम हिस्ट्री, एंड इट सेज दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इट इज स्टेटेड दैट दोज हु कुड नॉट स्पीक संस्कृत लैंग्वेज करेक्टली वर कॉल्ड मलेच्स. तो इसे हिंदी में कहेंगे कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मलेच्छ कहा जाता था. सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर हेयर इज डी, दैट इज शतपथ ब्राह्मण. शतपथ ब्राह्मण है जिसमें ये चीज कही गई है, और इसका बैकग्राउंड देखते हैं. तो द टर्म इज नॉट अटेस्टेड इन द वेदास बट अकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लेटर वेदिक टेक्स्ट शतपथ ब्राह्मण. तो जो शतपथ ब्राह्मण है वो एक लेटर वेदिक टेक्स्ट है, और जो वेद हैं ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्वेद, इन चारों वेदों में जो है मलेच्छ शब्द का प्रयोग कहीं पर नहीं किया गया है, पर जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें पहली बार जो है इस शब्द का प्रयोग किया गया था. एंड द ब्राह्मणास आर अ कलेक्शन ऑफ एंशियंट इंडियन टेक्स्ट विद कमेंट्रीज ऑन द हाइम्स ऑफ द फोर वेदास. तो चार वेदों में जो श्लोक हैं उनके ऊपर कमेंट्री की गई है ब्राह्मणास में, उनका जो सार है वो इनमें इन ग्रंथों में बताया गया है जिनका नाम ब्राह्मण है ब्राह्मणा है. और जो उपनिषद होते हैं उनमें
फिलॉसफी बताई गई है वेदों के बारे में, तो ये उपनिषद और ब्राह्मणा के बीच का डिफरेंस है। ये जो दोनों हैं ये लेटर वेदिक टेक्स्ट हैं, वेदों में ये नहीं आते हैं। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा डी, शतपथ ब्राह्मण। और लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26 नाउ। सो क्वेश्चन नंबर 26 इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। तो दो सूची दी गई हैं और आपको ये मैच करके बताना है कि कौन सा जो आंसर होगा वो सही होगा। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। जो गुप्ता एम्पायर था उसमें चंद्रगुप्त वन जो थे उनकी वाइफ जो थी पत्नी का नाम था कुमार देवी, और जो समुद्रगुप्त थे उनकी जो वाइफ थी उनका नाम था दत्त देवी, और जो चंद्रगुप्त टू थे जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है उनकी दो वाइफ्स थी, उनमें जो दूसरी वाइफ थी उनका नाम था कुबेर नागा, तो ये टू हुआ। और जो कुमारगुप्त वन थे उनकी जो वाइफ थी उनका नाम था अनंत देवी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, दैट इज 3, 1, 2, 4। तो सी आंसर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। इसका बैकग्राउंड जो है देखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं अब। सो क्वेश्चन नंबर 27 सेज विद रेफरेंस टू द बुक अर्थशास्त्र विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज द ओल्डेस्ट मास्टरपीस ऑन इंडियन स्टेट पॉलिसी, और सेकंड स्टेटमेंट है देयर इज नो डिस्क्रिप्शन ऑफ मौर्यन एम्पायर एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन दिस बुक। और इसे हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो कहेंगे अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही या गलत है। तो पहला जो कथन है वो है यह भारतीय राज शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है, और जो दूसरा कथन है वो है इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो आपको नीचे जो ये दिए गए हैं इनमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। तो फ्रेंड्स, जो ये पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर दैट इट इज़ द ओल्डेस्ट मास्टरपीस ऑन इंडियन स्टेट पॉलिसी, ये बिल्कुल सही है। बट जो दूसरा स्टेटमेंट है वो कहता है कि देर इज नो डिस्क्रिप्शन ऑफ मौर्यन एम्पायर एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन दिस बुक, तो ये जो है ये यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि मौर्यन एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमें दो किताबें हैं जिनसे पता चलता है। एक है अर्थशास्त्र जिसको चाणक्य ने लिखा था, या फिर विष्णुगुप्त कह सकते हैं, कौटिल्य भी उनको ही कहते हैं, और दूसरी किताब थी इंडिका जो मेगस्थनीज ने लिखी थी। तो यही दो किताबें हैं जिनसे हमें मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। तो दो जो सेकंड है स्टेटमेंट वो गलत है। तो इसका आंसर होगा ए, दैट इज वन ओनली। और इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। सो द अर्थशास्त्र इज एन एंशियंट इंडियन ट्रीटीज ऑन स्टेटक्राफ्ट इकोनॉमिक पॉलिसी मिलिट्री स्ट्रेटजी रिटन इन संस्कृत, तो ये संस्कृत में लिखी गई थी, और इसमें जो है इकोनॉमिक पॉलिसी स्टेट की कैसी होनी चाहिए, मिलिट्री स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये सब चीज़ें बताई गई है किसी राज्य के लिए। और जो अर्थशास्त्र है उसमें फेमस एक सप्तांग थ्योरी है जो कौटिल्य ने दी थी, चाणक्य ने दी थी, तो ये फ्रेंड्स आपको याद होनी चाहिए, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सात अंग होते हैं किसी भी साम्राज्य के, स्टेट हैज सेवन एलिमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट, जो है पहला होता है स्वामी जो राजा होता है किंग, उसके बाद आता है अमात्या विच इज द मिनिस्टर, फिर जनपद होता है जो जमीन होती है लैंड होती है, उसके बाद आता है जनपद में लैंड एंड द पीपल दोनों आते हैं जो लोग हैं वो भी, जो दुर्ग होता है वो होता है फोर्ट्रेस, और जो कोष होता है वो होती है ट्रेजरी, और दंड होता है आर्मी, और मित्र होता है जो हमारे एलाई स्टेट होते हैं उस राज्य के। तो ये सप्तांग थ्योरी है जो चाणक्य ने दी थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है जनरल स्टडीज़ में किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। सो क्वेश्चन नंबर 28 सेज हु अमंग द फॉलोइंग एड्रेस्ड दिल्ली एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड, इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया था। सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर हेयर इज ए,
दैट इज इब्न बतूता. जो इब्न बतूता थे वो एक फॉरेन ट्रेवलर थे जो भारत में आए थे, दिल्ली में आए थे, और उन्होंने ही दिल्ली को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड कहा था. और इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें तो पता चलेगा कि इब्न बतूता वॉज अ वेल नोन मुस्लिम ट्रेवलर एंड एक्सप्लोरर ऑफ मोरक्कन ओरिजिन. तो वो मोरक्को से थे, मोरक्को इज इन अफ्रीका, वहाँ से थे इब्न बतूता. एंड ही हैज़ पब्लिश्ड ऑल हिज ट्रेवल स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स इन द बुक रिहला. तो रिहला नाम की एक किताब है जिसमें उन्होंने अपनी सारी जितने भी उन्होंने ट्रैवल किया जगहों पर वो सब लिखा है. और इसी किताब में जो है उन्होंने दिल्ली के बारे में भी लिखा है. सो ही अराइव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे तुगलक डायनेस्टी के, उसके उनके टाइम पर जो है इब्न बतूता भारत में आए थे. एंड ही रोट द ग्रेटनेस एंड रॉयलिटी ऑफ दिल्ली. सो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, दैट इज इब्न बतूता. एंड लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 29. सो क्वेश्चन नंबर 29 इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियाज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है. सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर हेयर इज बी, दैट इज लॉर्ड रिपन. और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है जनरल स्टडीज़ में, एसएससी एग्जाम्स में, यूपीएससी में. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए. और इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं. सो लॉर्ड रिपन इज नोन टू हैव ग्रांटेड द इंडियाज फर्स्ट टेस्ट ऑफ फ्रीडम बाय इंट्रोड्यूसिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन 1882. तो जो लॉर्ड रिपन है उन्होंने 1882 में जो है एक रेजोल्यूशन पास करके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की थी इंडिया में, इसीलिए उनको फादर ऑफ इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है. एंड हिज स्कीम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डेवलप्ड द म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशंस विच हैड बीन ग्रोइंग अप इन द कंट्री एवर सिंस इंडिया वॉज ऑक्यूपाइड बाय द ब्रिटिश क्राउन. तो ब्रिटिश क्राउन के अंडर आने के बाद जो है इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी. और उन्होंने 1882 में म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशंस बना करके जो ये डिमांड थी वो पूरी करी थी. एंड ही लेड अ सीरीज ऑफ इनेक्टमेंट्स इन विच लार्जर पावर्स ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वर गिवन टू द रूरल एंड अर्बन बॉडीज एंड द इलेक्टिव पीपल रिसीव्ड सम वाइडर राइट्स. तो जैसा आज के समय में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, लगभग उसी तरह की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए रिजोल्यूशन पास किया था लॉर्ड रिपन ने 1882 में. तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है वो है लॉर्ड रिपन. प्लस फ्रेंड्स, जो लॉर्ड लिटन है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डेलहाउजी, इनकी भी जो पॉलिसीज हैं, रिफॉर्म्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इनके बारे में भी बहुत कुछ पूछा जाता है. जैसे आर्म्स एक्ट था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, ये लॉर्ड लिटन से रिलेटेड है. एंड लॉर्ड कर्जन जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल से रिलेटेड है. और लॉर्ड डेलहाउजी के तो बहुत ही ज़्यादा रिफॉर्म्स हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे भी हैं. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी इनसे रिलेटेड है. तो इन सब के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है जनरल स्टडीज़ के रिस्पेक्ट में. और चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं. सो द लास्ट क्वेश्चन इज एटलीस्ट हाउ मैनी डेज आर रिक्वायर्ड टू गिव द प्रायर नोटिस फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है. सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 14 days. 14 दिनों का नोटिस दिया जाता है बिफोर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. इसके जो प्रोसेस है उसे चलाने से पहले 14 दिनों का नोटिस दिया जाता है प्रेजिडेंट को. और इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं. तो ये जो यहाँ पर टेक्स्ट है ये लिया गया है आर्टिकल 61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से. और इसकी जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें लिखा गया है कि इम्पीचमेंट का कोई भी चार्ज जो है वो प्रिफर नहीं किया जाएगा जब तक ये दो कंडीशंस जो है वो फुलफिल नहीं की जाएंगी. पहली कंडीशन है द प्रपोजल टू प्रिफर सच चार्ज दैट इज द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेजिडेंट इज कंटेन्ड इन अ रेजोल्यूशन विच हैज़ बीन मूव्ड आफ्टर एटलीस्ट 14 days नोटिस इन राइटिंग signed by not less than 1/4 of the total number of members of the house has been given of their intention to move the resolution. तो जो house, जिस house में ये resolution pass हो रहा है उसको पहले 14 दिनों का notice दिया जाएगा president को. और जो 1/4
स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ, टोटल नंबर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस जहां पर ये इम्पीचमेंट की प्रोसेस शुरू हो रही है, तो 1/4 जो पीपल है उनको ये रिजोल्यूशन जो है वो साइन करना पड़ेगा इम्पीचमेंट प्रोसेस को शुरू करने के लिए। तो पहली कंडीशन तो ये है, और दूसरी जो कंडीशन है वो है सच रिजोल्यूशन हैज़ बीन पास्ड बाय अ मेजोरिटी ऑफ Not less than 2/3 of the total membership of the house। तो जो इस resolution को pass करने के लिए majority चाहिए वो चाहिए 2/3 of the total membership of the house। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो पता चलेगा कि इसका answer B है, that is 14 days, 14 दिनों का prior notice दिया जाता है president को for his impeachment process। So friends, these were the 30 questions of the general studies which were asked in UPPSC LT grade teacher recruitment examination which was conducted on 29th July 2018। And हमने जो है आपको लगभग सभी करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको लगता है कि किसी आंसर में कोई मिस्टेक है तो आप वो कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड फ्रेंड्स, आपके कोई भी डाउट्स हो या कोई सजेशंस हो तो वो आप जो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है वहाँ पर हमें बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।